गया, उसके बाद जो हमने कैंडल मार्च भी निकाला है, अर्धना जी भी करा है, पकौड़े निकले हैं, यहाँ तक कि कल दंडवत परिक्रमा भी करी है हमने एक बार की, उसके बावजूद भी सरकार हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है, आज तक चेक करने के लिए तैयार नहीं है। पावर कॉरपोरेशन में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी आज भी मजे ले रहे हैं, आज भी उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, और हम यहाँ पर पिछले 170 दिनों से यहाँ पर आंधी बारिश तूफान सारे त्यौहार यहाँ पर हम देखते हुए आए हैं। हमारी बहनों ने भी फोन किया था कि भाई रक्षाबंधन है यहाँ पर आ जाओ, हमने भी कहा मैं इनकी बहन, हम जब हमारे पास पैसे नहीं हैं रक्षाबंधन कहाँ से बना पाएंगे, क्या त्यौहार दे क्या 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 उपहार दे पाएंगे हम, भैया दोज भी चला गया, दिवाली भी चली गई, हम यहीं पर रहे, सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं। अब आज जैसे पहले से तय था कि हम लोग आज मंडल के 63 कार्मिकों निकाले गए हैं, लेकिन वहाँ पर कॉर्पोरेशन ने नोकलाबंदी कर दी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसी संबंध में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई पावर कॉर्पोरेशन को इन्हें रखना चाह रहा है, लेकिन निकाल दिए गए हैं, लेकिन शायद मेरे ऑर्डर से रख लेगा जो है सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी सरकारी सेवा दी है इन्होंने, तो इस बात लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद पावर कॉर्पोरेशन हमारे लिए घोषणा की है, नेशनल मीडिया धरने का लाभ खुले बताने चाह रहे हैं, धरने का लाभ जिसने किया वही खुलेगा, चेहरे पर रुमाल होते हैं, सुंदरता भी लगाई हुई हो जाती है, आज हमारी सुंदरता चेहरे से गायब हो रही है, हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि जैसा साढ़े 3 साल में हम बुढ़ापे की तरफ ऐसे बढ़े, चिंता है दुनिया भर की, शादी भी हो गई थी, लोगों की शादी टूट गई है, उनकी शादी हो गई, उन्हें परिवार चलाने की चिंता, उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी एज निकली जा रही है, उन्हें शादी होने की चिंता है, और कुछ लोग ओवर एज भी हो चुके हैं, कुछ लोगों को उसकी चिंता की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मामला जो है कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में इस टाइम हम हैं, जिस वजह से हम मुंडन करा रहे हैं, अगर सरकार तक अभी ये बात नहीं पहुंचती है तो कल हम भीख मांगने का प्रोग्राम भी रखेंगे, और टाइम टाइम पर उचित समय पर हम इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, और जन जन लोगों तक हम जो है अपने प्रदेश के और अपने देश के लोगों तक इस बात को पहुँचाते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और आज हमको 171वां दिन हो चुका है, हमने जैसा कि हमारे साथियों द्वारा अवगत कराया गया है कि हमने समय समय पर जो है मतलब प्रोग्राम किए हैं, बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, सुंदरकांड भी किया, पकौड़े भी तले, और उसके बाद में जो है कैंडल मार्च भी किया, कल जो जनपद परिक्रमा भी की, लेकिन सरकार की अभी नीयत साफ ही नहीं है हमारे प्रति, क्योंकि सारे कानून पर विचार कर चुके हैं, हमारे पिता डाल चुके हैं हमारे साथी, और हम जो है ये अपना 603 कर्मचारियों के जो बलिदान करके जो है विरोध प्रदर्शन करना चाहेंगे।